क्या बताऊं यामिनी जी, अरे समझ नहीं आया, हम तो अभी बस आहुति देने वाले थे कुछ लोग आगे, उन्होंने हवन बंद करने के लिए कहा, युगान जी ने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने गोलियां चलनी शुरू कर दी। हमें जी उन्होंने इतनी गोलियां चला दी कि युगान जी मारे गए। मैं तुम्हारा यकीन करूं? तुम प्लीज विश्वास करने की कोशिश करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं और राहुल वहाँ हनीमून के लिए गए थे, हम अपना हनीमून छोड़ के उस सुनसान जंगल में क्यों जाएंगे? ये सब उस कबीर ने प्लान किया था। पहले उसने पायल से उसकी बकरी छीनी, फिर वो जंगल में गया, उसे पता था वो सब देख के मैं उसके पीछे जाऊंगी। मैं उसके पीछे पीछे जंगल तक पहुंची, तब मैं कबीर को नहीं देख पाई क्योंकि वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था, और जब मैं वहां पहुंची यामिनी, प्लीज हमारा विश्वास करो, कबीर मेरी और राहुल की जिंदगी में एक दोस्त बन के आया था, हम उसे होली पे मिले थे। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, ये देखो हमारे घर में रह के हमारा दोस्त बन के भी उसने हम पे वार किया, उसने हमें मारने की कोशिश की। यामिनी ये सब बातें तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी बात जरूर है जो मैं जानता हूँ कि कबीर ने तुमसे की होगी, जो हमें नहीं मालूम होनी चाहिए। क्या तुमसे कबीर ने किसी सिंह की बात की थी? कोई ऐसा शक्तिशाली सिंह जो मेरे पास है, जो कबीर को चाहिए, की थी कि नहीं? ध्यान से सोचो, कबीर जानता था कि वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि मुझसे लड़ सके उस सिंह की वजह से। वो जानता था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। एक ही तरीका था तुम्हें मेरे और मानवी के अगेंस्ट करने का, वो ये कि वो युगांत को मारे और उसका इल्जाम मेरे सर पे डाल दे। ध्यान से सोचो, एक रात पहले कबीर का युगांत के ऑफिस में जाना, जिस दिन युगांत की मौत हुई उस दिन कबीर का वहां होना, उस सिंह के बारे में बात करना जो वो चाहता था कि तुम मुझसे लो। इन सब कड़ियों को जोड़ो यामिनी, और सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं अपने परिवार के लिए झूठ बोल सकता हूँ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो पुलिस को फोन कर सकते हो, ये सब मैं उन्हीं के रिकॉर्ड से लेके आया हूँ, मुझे जरूरत नहीं थी। यामिनी तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है, तुम्हारे पति को मारा गया है किसी और आदमी की अपनी रंजिश खत्म करने के लिए, तुम्हें फंसाया गया है, अब असलियत क्या है तुम खुद डिसाइड करो। मतलब कबीर ने मेरा इस्तेमाल किया, ऐसा हो सकता है? इतने दिनों से इनके आसपास हूं, लेकिन सच में इन्होंने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी भी कोशिश नहीं की। मुझे कबीर पर शक कैसे नहीं हुआ? मैं गलत कैसे हो सकती हूं? अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना, जो अंग्रेजी पियेंगे, हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले तेरे लिए भी है, आज मैं देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। छोटू, अरे शाम। यस सर। तो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच दस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।